नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईवी विजेंदर सिंह और आज एक नया ब्लॉग लेकर आ जा रहा बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अभय सिन्हा भैया जो हमरा के बहुत माने नी और वहाँ से मिले आप पंकज भैया, पंकज तिवारी जी वहाँ के भी बहुत माने नी। तो शूटिंग चल रहा बाबे यहाँ दानापुर के पास एगो रिसोर्ट में, तो वो जी जा रहा बानी मिले और रात ही फोन कैले रही वहाँ लोग कि बॉम्बे से आ गए बनी सन आव मिल ल कुछ प्रोजेक्ट बा हमनिके करत सन मिल के, कुछ वेब सीरीज बा कुछ फिल्म भी बा। तो लोग बहुत जल्द अभय भैया के प्रोडक्शन से यसी फिल्म से जहाँ पर बड़ा बड़ा दिग्गज बहुत बड़े कलाकार सब सारा कलाकार करीब करीब अजय देवगन से लेके मनोज तिवारी जी, पवन सिंह से लेके सारा लोग काम कैले बा। वो जी काम करे जा रहा बनी देख तनी मीटिंग में का होता। देखिए गंगा जी रौद्र रूप में अभी आ गई हैं और पानी कितना जल्दी बढ़ रहा है, पूरा रौद्र रूप में गंगा जी। पटना में बाढ़ हम अभी आ गए हैं हम अभय भैया के यहाँ। अभय भैया के प्रोडक्शन में यसी फिल्म में अहिला पर ये चीज बाकी जिलेबी मिली खाए के बहुत चीज मिली देख ली। अभय भैया तुरंत मंगेले बनी अभी यहाँ सुशहर गए हैं कहीं ना मैं देखाओ एक पल दिखा देते भाई रेस्ट कर बड़े आदमी है इनके यहाँ खाने को खूब मिलता है। जैसी फिल्म में इसी बा यही बहाने खातु बनी हो तो ये जिलेबी है। यहाँ के शूटिंग हम करते नहीं सर, हम इंटरटेनमेंट के मेला कलाकार के अगर रिस्पेक्ट केहू देला तो जैसी फिल्म है। अभी भी आऊँ कभी ना पता चला कितना बड़े प्रोड्यूसर के साथ हम ये काम करते हैं। चलिए शूटिंग दिखाओ तनी, वी रितेश पांडे की शूटिंग चल रहा है। शूटिंग पे हम आ चुके हैं, रितेश पांडे जी का शूटिंग चल रहा है फाइट वाला सीन। और भोजपुरी में फाइट सीन कैसे फिल्म के शूटिंग होला दिखाओ तनी। और ये यसी फिल्म अभय भैया के प्रोडक्शन का ये फिल्म चल रही है और बहुत जल्द हमनी के भी आ रहा मेंशन फिल्म और वेब सीरीज लेके। अभी हमारे साथ हमारे सुपरस्टार भाई रितेश पांडे जी हैं और यहाँ के शूटिंग चलता है। कथी के शूटिंग चलता भैया? ये गाना के चलता शूटिंग, बट स्टोरी साथ साथ चली है वो कई पता है। वेब सीरीज भी करते हैं? हाँ वेब सीरीज भी। तो ये स्टोरी वाला ये गाना चलता है जिसमें फाइट वाइट के सब सीन है। और यहाँ के अभी बोलबम देखते बनी कंटिन्यू आ रहा बा, ये हमारे वी आई वी विजेंद्र सिंह ब्लॉग है एकरा के थोड़ा सा। अब तो भैया के बारे में का कहे के बा, देखते हंसी छूटेला तब अगर ये तनावपूर्ण जिंदगी से थोड़ा सा निजात पावे के बा हंसे के बा तब ये चैनल के जरूर बा सब सब्सक्राइब कर ले। और रितेश भाई के अभी कंटिन्यू गाना आ रहा बा, फिल्म आ रहा बा और यसी फिल्म के चल रहा बा। अच्छा इतना प्रोड्यूसर से रोड़ा लोग काम करेनी, अभय भैया के बारे में रोड का सोच, अभय सिन्हा यसी फिल्म के बारे में? बहुत अच्छे आदमी है। देखिए एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा प्रोड्यूसर होने से अच्छा कहीं बढ़ के एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा आदमी होना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे आदमी हैं अभय भैया और कलाकारों को प्यार करते हैं। कलाकार के तो बहुत प्यार। हाँ और कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम। और आवे वाला फिल्म को बाद प्रमोट अभी जो कंटिन्यू आ रहा है में कुछ नाम बता दें? हमने की एगो फिल्म बा लाइन में जना के नाम बा डोली डोली। हाँ सरफरोश
सरफरोश तो अभी बहुत ट्रेलर रिलीज भइल बा। सैया थानेदार, हल्दी कुमकुम, पेपर बॉय, अभी यहाँ के कंटिन्यू फिल्म बावे बन के तैयार बा, जैसे ही सिनेमा हो लोग। अच्छा राव रे को गाना हिट भइ रहे है हेलो कौन, जौन भोजपुरी इतिहास में सबसे ज्यादा व्यू पावे वाला गाना बा, जौन भोजपुरी से लेके हिंदी तक, जहाँ हिंदी के क्रेज आज बॉलीवुड में लोग जा रहा बा, पहला यहाँ गाना रहे जहाँ बॉलीवुड के लोग भी ऊपर नकल कैले रहे, वो गाना अगर थोड़ा सा रोड़ा गुनगुना देती हेलो कौन वाला, अब कैसे दिमाग में आईलू बनाओ के बोल चाल के भाषा हमने के उत्तर प्रदेश बिहार के, यानी हमने के उत्तर प्रदेश बिहार में एगो हिंदी भी बोला जाला तो अलग ही टोन बोला जाला। हाँ अपन में मदर टोन मिला के हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जब रोड आज तक पकड़नी होगा अंजना सिंह बोल ली हम बोल रहे हैं, कैसे कहूँ हूँ कि बिहार के हैं। आई दिमाग में एक हम श्रेय देवल चाहबड़ भाई आशीष वर्मा जी के, जिन्होंने ये गाना लिखा भी है और म्यूजिक भी बनाया है इसका। अच्छा बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहला कि आशीष वर्मा जी, हमरे लोग से पूछलक आशीष वर्मा जी का राउर माने रियल ब्रदर हुमन की ऐसे मुंह बोला ब्रदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर कर सकते हैं, अनदर ब्रदर माने लेकिन भाई से भी ज्यादा माने, ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, दो माओ के दो लड़के जो भाई होते हैं, खून का ही रिश्ता ही नहीं होता है सबसे बड़ा, एक जो दोस्ती का रिश्ता होता है, एक भाईचारे का रिश्ता होता है, वो सबसे बड़ा होता है मेरे ख्याल से। और दुनिया में देखिए है क्या, एक दिन सबके साथ जो होता है वही होना है, सबको चला जाता है, लेकिन भाईचारा बना के प्यार बांटा जाए, किसी से द्वेष रख के क्या मिलेगा। ई तरह और बात बहुत अच्छा लगे, लेकिन लोग हमेशा इन लोग के फेवर में बात करें नहीं चाहे। अच्छा जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अभी लोग कहता हम माने नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट पहले से बहुत आगे पहुंच चुकल बा, लेकिन अभी जैसे लोग कहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री नीचे जाता ये पर राउर का सोचो बिल्कुल गलत बात बात कि एगो हम किस्सा सुनाओ तो नहीं बात ही बा कि राजा एगो रहन राज्य में राज करत रहन तो एगो आदमी के बुलावलन अपना दरबार में पूछलन कि का हाल बा राज्य के लोग कैसे जियता, तो कहलस कि का बताएं राजा साहेब पूरा जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करता क्योंकि खाए के नहीं खे सबको भूखे मर रहा बा। तो मंत्री के बोलन राजा कहन कि अरे हमारे राज्य का ऐसा हाल, तो मंत्री कहन कि राजा साहब इसको एक गाय दे दीजिए आप, ठीक है, और इसको भेज दीजिए। बोले कि ऐसा क्यों, तो बोले कि बस मेरी बात मानी इसको एक गाय दे के भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, उसको एक गाय दे के भेज दिया। एक महीना बीता, मंत्री ने कहा कि अब उसको बुलाइए, और फिर उसको बुलाया गया, फिर राजा ने पूछा कि कैसा चल रहा है, मेरे राज्य के लोग कैसे हैं, तो बोला कि ओ राजा साहब दूध दही लोग खा रहे हैं, एकदम मस्त है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मंत्री ने आके बोला कि देखिए यही कारण था, उस समय प्रॉब्लम में ये था इसलिए इसको सारा प्रॉब्लम दिख रहा है, सब लोग प्रॉब्लम में दिख रहे थे, और अभी ये दूध दही खा रहा है तो सबको लग रहा है कि ये सब लोग दूध दही खा रहे हैं। यही कंडीशन यहाँ पे लागू भोजपुरी में भी अपने। हाँ तो कुछ लोग भोजपुरी को ऐसा कर रहे हैं कि अरे बाप रे बाप भोजपुरी तो गर्त में जा रहा है। नहीं भैया, भोजपुरी बहुत रफ्तार से तेज और तेजी से अपने लक्ष्य के तरफ पहुंच रहा है, और दिन प्रतिदिन बताइए भोजपुरी का हम लोग शूटिंग लंदन में करके आ रहे हैं, मॉरिशस, मलेशिया, ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग शूट कर रहे हैं। भोजपुरी ऐसा भाषा है कि 24 घंटे में 10-10 मिलियन व्यू चल जाता है हिंदी के। अभी पवन भैया का एक गाना आया है आज, ये नहीं है आज, एक बोलबम आया बहुत कम समय में 5 मिलियन व्यूज वाला। तो बहुत सारे ऐसे गाने हम लोग के सुनने वाले हैं, यहाँ के भी गाना बहुत सारा बाबा जोन 200 मिलियन 300 मिलियन पार कर चुकल बाबे। तब भोजपुरी हमनी के बहुत आगे जाता, एकरा के सोच थोड़ा सा बदले के बाबे। हमरा लगता कि भोजपुरी के बदनाम करे में भोजपुरी के बाहर के लोग ज्यादा, नहीं जिनको भोजपुरी से कोई मतलब नहीं है, जिनको भोजपुरी आती नहीं है, जो अपने बच्चों को भोजपुरी सिखाते भी सिखाते नहीं है, जिनके घर वाले परिवार वाले
भोजपुरी को देख के सुन के नाक सिकोड़ते हैं, नाक सिकोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, आप उनको देखिए और प्रोत्साहित करिए, अपने अगल बगल के लोगों से भी बोलिए, आपको गर्व महसूस होगा भोजपुरी पे। आप क्यों खराब चीजों को लेके पकड़ के और हल्ला कर रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, आप अच्छी चीजों को लेके हल्ला करिए तो आपके मातृभाषा का, आपके भोजपुरी का बखान होगा। लोग कहते हैं कि अच्छा चीज बोलना पर ऊपर सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़वे ना करिए, ऐसे ऊपर जाइए कि बढ़ावे के चाहता है लोग। देखिए हम किसी को पर्सनली नहीं बोलेंगे, बट जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे गलत हो रहा है उस गलत का विरोध भी हो रहा है, विरोध होना चाहिए। आप प्रजातंत्र की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक विरोधी भी होता है और विरोधी आईना दिखाता है कि भाई देखो तुम गलत करोगे तो ये तुम्हारा आईना है। हाँ तो वो होना बहुत जरूरी है, आईना भी लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, तो वो जरूरी है, लेकिन विरोधी का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता है ना, अच्छी अच्छाई का सपोर्ट करना भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के प्रधानमंत्री मतलब विपक्ष में बैठते थे एक के समय पे, इंदिरा गांधी के विपक्ष में, और एक विदेश में मीटिंग अटेंड करना था, भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना था, तो इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था जबकि ये विपक्ष में बैठते थे। तो ऐसा पक्ष और विपक्ष का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि अच्छाई में सपोर्ट करे एक दूसरे, अच्छा अच्छा चीज सपोर्ट भी करे लोगी, विरोध हाँ जे गंदा का होता है या जहाँ गंदा चीज का ओकर विरोध होके ओकरा के डिसलाइक मारल जाए, लेकिन उहे आदमी जे डिसलाइक मारता भाई जाके अपना टाइम लाइन पर देखो कि अच्छा चीज के प्रमोट कैले बढ़ो, पर पहले बार तो डिसलाइक मारा जरूर। तो यहाँ के रहनी यहाँ रितेश पांडे भैया, भैया कहते नहीं भाई हूँ छोटे भाई हूँ तो छोटे हुई है मुँह से निकल जाए अपना भोजपुरी भाषा, प्यार है हमारा भोजपुरी का मिठास है, भाई हूँ छोट तो ऐसे ही देखत रही हंसत रही मुस्कुरात रही, भाई एक बार और बोल दे सब्सक्राइब करे के। हाँ जरूर जरूर, अगर आपको हंसना है क्योंकि हमको बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है भैया का जितना भी कंटेंट तैयार करते हैं, हंसाता है, गुदगुदाता है, कुछ सीख भी देता है, और खास करके अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो जरूर आप लोग इस चैनल से जुड़े। लव यू हर मान। आप इधर ही है फिर थोड़ा घूम जाइए ना इधर चाकू है जो फिल्मों में यूज होता है मारने में, जो इस फिल्म में दिखाया था, देखिए ये लगते ही नीचे चला जाता है, चुपको 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 ये चाकू मारिए, मारते ही ये पेट में अंदर।